हाँ जी पूजा शुरू हुआ था ब्राह्मण लोग पूजा करते हाँ जी आज के जमाने में ब्राह्मण लोग क्या पूजा करते थे जो अभी चल रहा है तो पूजा कितना बड़ा दशहरा पूजा है। भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि मंदिर में मूर्तियों की पूजा ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। वास्तव में ये भी संगम युग की रस्म रिवाज है। यहाँ भी मंदिर है सच्चा सच्चा वो जहाँ भगवान बाप चैतन्य मूर्ति में आते हैं। जैसे अभी अभी बोला मुरली में कि जो पवित्र रहने वाले बच्चे हैं उन पवित्र रहने वाले ब्राह्मण बच्चों से ही बाप को मिलाना चाहिए। ऐसे पवित्र ब्राह्मण ही बाप के नजदीक आने चाहिए। अगर ब्राह्मण ही अपवित्र को बाप के सामने ले आती है तो ब्राह्मणी के ऊपर भी दोष आ जाता है। तो बाबा के मंदिर में चैतन्य मूर्ति की साज संभाल करने वाले भी कैसे ब्राह्मण चाहिए, पवित्र ब्राह्मण चाहिए। अपवित्र ब्राह्मण जब तक संघ के रंग में आते रहेंगे तब तक राम कृष्ण की आत्माओं के ऊपर संग का रंग का असर थोड़ा बहुत चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? है चढ़ेगा। और बाप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोषी कौन हुआ? है वो बच्चे ही दोषी हुए जो ज्यादा मेहनत करने के निमित्त बनते हैं। खुद भी मेहनत महसूस करते हैं पुरुषार्थ में और दूसरों से भी मेहनत करवाते हैं। नहीं तो इस ज्ञान और योग का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। तो भक्ति मार्ग में मंदिरों में पूजा करने के लिए किनको बैठाया जाता है? ब्राह्मणों को बैठाया जाता है। और बाबा मेहनत करवाते हैं। हैं? हैं? कैसे पुरुषार्थ करते हैं? नहीं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। जो आत्माएं 63 जन्म राम कृष्ण जैसी शेष आत्माओं के संग के रंग में रही हैं, वो इस लास्ट जीवन में भगवान बाप को पाने पर आरंभ से ही पुरुषार्थी जीवन में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा ज्यादा देखने में आवेंगी या कम देखने में आवेंगी? ज्यादा देखने में आवेंगी। और यही फाइनल पेपर है। जो जन्म जन्मांतर बाप के संग के रंग में रहे हैं और जन्म जन्मांतर बाप के सहयोग में रहे हैं उनको बाप के समान पुरुषार्थ करने का अभ्यास जल्दी हो जाएगा या देर में हो गया? जल्दी हो जाएगा। स्थूल वर्ष में तो सबको जमना पड़ेगा, कोई को कम
और कोई को ज्यादा। हाँ ये कहेंगे कि पहले पहले जो परम धाम पहुंचेंगे वो पहले पहले शक्ति पर आवेंगे, तो 4-6-8 सेकंड का अंतर पड़ेगा, तो बर्फ में ज्यादा समय उनको उनके शरीर को दब के रहना पड़ेगा या ना के बराबर, ना के बराबर। ब्राह्मण लोग पूजा भूल गया, पूजा दिन लगने जाता है जनता ने, इसीलिए उसको ट्रेनिंग दिया ट्रेनिंग जो है वो पहले पहले किसी ने तो देना शुरू किया होगा। जिसने ट्रेनिंग देना शुरू किया होगा उसने कोई से ट्रेनिंग ली होगी क्या? आपके जमाने में ट्रेनिंग ना, जो बात पूछ रहे उसका जवाब दो पहले। ट्रेनिंग देना कोई ने तो शुरू किया होगा, तो जिसने ट्रेनिंग देना शुरू किया वो सात्विक स्टेज में रहने वाली आत्मा है या जो ट्रेनिंग लेना शुरू करती है दूसरों से देहधारियों से वो सात्विक आत्मा होती है, है? जो लेने वाले हैं देहधारियों से वो तामसी आत्मा साबित होते हैं, और जिन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं कभी, जो सदगुरु ने डायरेक्शन दिया और तुरंत ताजा ताजा डायरेक्शन को खाया, अनुभव में लाया, वो सदैव सत्विक स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं। तो जो आज ट्रेनिंग लेकर के भक्ति मार्ग में पूजा कर रहे हैं उन्होंने तो भगवान की पूजा को व्यवसाय बनाया हुआ है, उनके दिल की पूजा नहीं है। वो दिल की सेवा भावना नहीं है, वो नास्तिक आत्माएं हैं, स्वार्थी आत्माएं हैं, भगवान के प्रति समर्पण भाव वाली आत्माएं नहीं है। और शहर की तरफ राम राम सब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि अंत समय जब आता है इस दुनिया का या दुनिया वालों का, तो अंतिम समय जब लास्ट क्षण होगा तो सारी दुनिया के मुख से एक राम ही निकलेगा, राम ही सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। राम के ही मुकर्र रथ में वो निराकार राम आकर के प्रत्यक्ष होता है, बाकी सब झूठे हैं। बाप हो, पति हो, भाई हो, मामा हो, भांजा हो, काका हो, नाना हो, चाचा हो, ताऊ हो, सब धोखा देने वाले हैं। इसमें आग है, लोहा है और
मिर्च क्या है, लाल मिर्च क्या है, तीन भी एक्स्ट्रा भी उसको क्यों क्या है, कहाँ से लोग के आते हैं गला के जो मारा हुआ आपको जब गला देते हैं ना तब हर लोग जाना पड़ता है कि नहीं समय जब लौट जाता है इनके हमें तो घर में वो चीज रखते हैं, तीन चीजें रखते हैं और लंका इसे मिर्चा बोलते हैं, लंका लंका माने मिर्चा, ये सब जानते हैं कि जब शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ सब की बुद्धि में वैराग आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। अब जब घर में लौट के आते हैं तो लोहा माने कलयुगी दुनिया याद आ जाती है, मिर्ची माने तलखीलापन आ जाता है बुद्धि में, और तीसरी चीज क्या बताई, आग, यह है काम अग्नि की आग सबको लगने लग पड़ती है। जब भी लौट के आएंगे शमशान घाट से वो बैराग वैराग सब सब उड़ जाता है। और अरे बातें नहीं करो, अरे वहाँ तो सीढ़ी चलती है, वहाँ तो सीढ़ी चलती है, सीढ़ी टीवी में देखने में आती है, टीवी जड़ है और उसमें जो सीढ़ी चल रही है वो भी जड़ है, वहाँ जो देखने में आता है वो चैतन्य नहीं है, फिर भी वहाँ निद्रा आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि चैतन्य के वाइब्रेशन वहाँ नहीं होते हैं, और यहाँ तो चैतन्य के वाइब्रेशन भी हैं, चैतन्य की चैतन्य दृष्टि भी मिलती है, आवाज भी डायरेक्ट है, मशीन के थ्रू नहीं है, फिर भी सोते हैं। और 30% सोते रहते हैं, तो सीढ़ी देखते समय अगर सोते हैं तो क्या बड़ी बात है। कोई माता और भाई कैंसर आने के बाद है जी, कैंसर उठ गया है, मर गया है जी, तो फिर भी दोबारा कोशिश करता है आने के लिए। हाँ जी, तो उन लोग को बोलता है कि क्लास करेंगे संगठन में आएंगे, ये पांडव धर्म में जाएगा, तो उसका ये उसका पाकिस्तान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई 2 महीने तक अगर चिट्ठी भी नहीं लिखता, क्लास में आने की बात तो दूर हो गई, रोज क्लास में आता है तो बाबा के घर में रोज आ रहा है, चिट्ठी की बात नहीं है, लेकिन क्लास में भी नहीं आ रहा और चिट्ठी भी नहीं लिखता, फोन से कनेक्शन भी नहीं होता अथवा ईमेल भी नहीं देता, तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया, माया ने घसीट लिया, और साल भर 2 साल 4 साल 6 साल याद ही उनको नहीं आती है।
और बाद में फिर कारण या कारण जाग जाते हैं, फिर आना चाहते हैं, तो उन्हें चांस दिया जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा कराई जाती है कि अब हम ऐसे कन्वर्ट होने की भूल नहीं करेंगे, नहीं तो इस भारत देश में कन्वर्ट होने वालों ने इस भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरे दूसरे धर्मों में, दूसरों दूसरों की बातों में आने से भारत की ग्लानि करने लग पड़े और भारत का पल्ला छोड़ दिया और विदेशी बन गए, विधर्मी बन गए, भारतवासियों की जनसंख्या कम होती गई और विदेशियों की, विधर्मियों की संख्या बढ़ती गई। विदेशियों का नाम बाला होता गया संसार में और भारतवासियों का नाम खलास होता गया। विदेशी आज भारतवासियों की हंसी उड़ाते हैं, इसलिए माफीनामा लिखाया जाता है। आओ फिर अभ्यास करो, कहाँ जावेंगे, हत्ती तो एक ही है, तो चांस दिया जाता है। हाँ ये बोला है, एक बार माफ करेंगे, दो बार माफ करेंगे, क्या हमेशा माफ ही करते रहेंगे है? नहीं। और अगर चोले ही खत्म हो जावेंगे तो आत्माएं इस दुनिया में उतरती रहेंगी, बिना चोले के पार्ट कैसे बजावेंगी नई दुनिया में? अरे जितना योग बल होगा उस योग बल को ग्रहण करने वाला सबसे पहले उसका चोला रूपी पांच तत्व होगा या दूसरे दूर दूर के पांच तत्व होंगे? चोला ही सबसे नजदीक है। आत्मा को सबसे जास्ती किससे प्यार होता है? अपने शरीर से प्यार होता है। तो आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तो वो पुरुषार्थ का प्रभाव पहले पहले अपने शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए, तब दूसरे जानवरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो वो जीव जंतु जानवर कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, फिर भी पति से पावन बनते हैं। वो आत्माएं भी अपवित्र से पवित्र बन जावेंगी, हिंसक से अहिंसक बन जावेंगी। मुरली रोज न पढ़ने के कारण ऐसी गलत फहमियां होती हैं। मुरली में बोला है ये जन्म तुम बच्चों का है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म का मतलब है ये लास्ट जन्म भी है, पतित चोला भी है और यही चोला पावन भी बनेगा, माने 21 जन्मों में से पहले जन्म का चोला होगा।
सुख और असेंद्रीय सुख में क्या फर्क है? सुख देवताओं को भी होता है, जैसे राधा कृष्ण सुख भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? सुख भोगते हैं, और ऐसा सुख भोगते हैं जिसके आदि मध्य अंत में दुख का नाम निशान नहीं होता है। राधा कृष्ण को ऐसा दृष्टि से सुख भोगते हुए दिखाया गया है। तो आंख इंद्रिय है या नहीं है? है? इंद्रिय का सुख भोगते हो, लेकिन राधा कृष्ण को जन्म देने वाली जो आत्माएं हैं, वो उनसे ऊंची कोटि का सुख भोगेंगी या नीची कोटि का सुख भोगेंगी? ऊंची कोटि का भोगेंगी, माने दृष्टि से भी ऊंची चीज है वृत्ति। वो वृत्ति के आधार पर लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण से ऊपर वो ऊंची स्टेज दिखाई गई है। वो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को भी नहीं देख रहे हैं, माने उनका दृष्टि का भी सुख नहीं है, इंद्रियों के सुख का नाम निशान नहीं है। कर्मेंद्रियों की तो बात छोड़ो, ज्ञानेंद्रियों का भी सुख नहीं लेते, ज्ञानेंद्रियों के सानिध्य का भी सुख नहीं लेते, उनका याद की पावर इतनी तीव्र होगी कि लक्ष्मी और नारायण वाली आत्माएं दुनिया में कहीं दूर पड़ी रहे, फिर भी एक दूसरे से उनका कनेक्शन बना रहेगा। मोबाइल के बगैर भी बातें करती रहेंगी। डायरेक्शन का लेन देन करती रहेंगी। उन्हें इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं होती है। उसको कहते हैं इंद्रियों से अतीत का सुख, इंद्रियों से परे का सुख। वो सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को नहीं होता है। किसको होता है? राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जो जन्म देने वाले मात पिता वाली आत्माएं हैं, उनको वो अति इंद्रिय सुख होता है। वो तो अव्वल नंबर में है। और है? अकेला रहेगा, 11 रहेगा। अरे अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, 16108 गोप गोपियां हैं। एक और आठ की बात नहीं है। हाँ जी। और बाबा, अभी तक दो बार आपने कहा कि मुरली पढ़ते नहीं, तो पढ़ना या सुनना? तो पहले क्या? मुरली पढ़ने से भी फायदा नहीं। मुरली पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास स्टूडेंट, और मुरली सुनने वाले भी हैं थर्ड क्लास स्टूडेंट। मुरली को जो देखते हैं टीवी में, हाव भाव को देखते हैं, वो है गुड सेकंड क्लास। लेकिन साथ साथ अगर समझ नहीं है, जिस रूप में मुरली का भाव समझना चाहिए, तो बेकार है। सुनना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, सुनाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। तो एक एक पॉइंट की गहराई तब समझ में आवेगी जो मुरली में बोला है। एक एक मुरली को 6 बार पढ़ना चाहिए।
छह बार उनके लिए बोला जिनका अटेंशन कम रहता है, जिनका अभ्यास पक्का हो गया है, जिनकी बुद्धि पेट के धंधों में चलती ही नहीं, निश्चिंत हो चुके हैं, बुद्ध रूपी पेट के धंधे की फिक्र है, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे भरपूर हो जाए। जो 84 के चक्र को पूरा पूरा समझ जाए, उनको कहेंगे समझने में तल्लीन। और बोला है 60 साल का ज्यादा उम्र माता लोग पांडव भवन में आ सकने की बात है, 60 साल का ज्यादा उम्र है माता लोग पांडव भवन में प्रवेश कर सके, ये की बात ठीक है? एक भाई लोग बोला है, भाई लोग बोला है, एक भाई लोग ज्ञान का भाई। अरे भाई लोग क्या बोला है, बहन लोग क्या बोला है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है? अरे बाप ने क्या बोला है, दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं, और दुनिया में जितने तरह के लोग हैं वो सब यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं। बाबा ने कहा अच्छे से अच्छे देखना हो तो अच्छे से अच्छे पाटदारी यहाँ देखो, और गंदे से गंदे पाटधारी देखना हो तो यहाँ देखो। कौन से ब्राह्मण की बात करेंगे? कोई क्या कहता है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो। किसी का कोई पार्ट डिक्लेयर नहीं हो गया है, क्यों? क्योंकि अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो फाइनल पेपर में 3 सीट्स जो फिक्स हो चुकी है, हमको पता है, फिर भी मानेंगे तब जब फाइनल पेपर में पास होके दिखाएं। अभी फाइनल पेपर हो गया क्या? नहीं। हाँ, आसार तो देखे जा सकते हैं, लालने के पांव पालने में देखने में आ जाते हैं। समझदार आदमी जान सकता है कि ये स्टूडेंट अव्वल नंबर में आने वाला है, बाकी फिक्स तो नहीं है। हाँ जी, आत्मा जो जब सुख की दुनिया में आती है, कौन आती है? मैंने आत्मा जब सुख की दुनिया में आती है भगवान की है तब तो वो सुख मानती है, अगर जब आत्मा मौत हो जाती है तब वो सुख मानती है, तो सुख का नहीं होंगे और सुख मानती है तो कोई सुख का नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन क्या है बेहद का? जन्म लेता है हमारा घर में तो अशुभ पालन करता है, अशुभ पालन करता है, अशुद्धता है, तो कोई दिन के लिए अशुद्धता मानता है, इसके कारण है। हाँ, दुनिया में बच्चों का जब जन्म होता है तो जो जन्म होता है वो जेर के साथ जन्म होता है,
माने जो बच्चा पैदा होता है उसके आसपास विनाशी चीज लिपटी हुई होती है, वो विनाशी चीज अलग की जाती है, नष्ट कर दी जाती है और बच्चे को उससे अलग कर लिया जाता है। कुछ दिन तक ऐसे समझते हैं कि वो बच्चा और वो माँ अस्पष्ट है, छूने योग्य नहीं है। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही कोई संपन्न नहीं हो जाता है, जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ करेगा तब संपन्न बनेगा, पवित्र बनेगा, या पहले ही पवित्र बन जाएगा है? पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आत्मा हो, ऐसे नहीं कि उसने बच्ची कर ली, बाप के घर में जन्म ले लिया तो संपन्न हो गया, नहीं, उसके पुरुषार्थ की चाल से पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद जबकि उसकी सेवा का रिजल्ट आने लगे तब पता चलेगा कि वो पवित्रता को धारण करने वाला बच्चा है या अपवित्र बच्चा है। और होली का जो ये है पर्दा है देवियों कार्य मंदिर में है, होली जो दिया जाता है देवी को मंदिर में दिया जाता है। क्यों, शिव के मंदिर में बलि नहीं दी जाती थी? शिव के मंदिर में भी बलि दी जाती थी, देवियों के मंदिर में भी बलि दी जाती है। बलि देने का मतलब ही है उसका तन, उसका मन, उसका सारा धन, उसका समय, उसका संपर्क, उसके संबंधी सब स्वाहा। ये भी ईश्वरीय ज्ञान है। यहाँ शिव बाबा को पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन देवियां बलि जल्दी ले लेती है, तो देवियों पर जो बलि चढ़ते हैं उनका तन, उनका मन, उनका समय, संपर्क, संबंध सब उन देवियों की सेवा में स्वाहा हो जाता है। और चंद्रमणि, अरे मस्तक मणि होती है ना, सर्प के मस्तक पर मणि होती है, मणि कोई दूसरी चीज नहीं है, आत्मा को ही मणि कहा जाता है। सूर्य मणि का मतलब है कि जो सूर्यवंशी आत्मा है, मणि है, वो सूर्य मणि है। और चंद्रवंशी का मतलब है जो चंद्रवंश की आत्मा रूपी मणि है वो चंद्रमणि है। और जो इस्लामी है उन्हें इस्लामियों की आत्मा है, विविचारिणी आत्मा, वो सर्पमणि है। नाग लोक कहा जाता है ना, तो नाग लोक भी है, सूर्य लोक भी है, चंद्र लोक भी है। जो जो जिसके लोक हैं, जो जिसकी प्रजा बनने वाला है वो उसी की पूजा करने वाला होता है। इब्राहिम का फॉलोअप कर,
धर्म पिता के धर्म को फॉलो करना माने उनकी डायनेस्टी चलना। धर्म पिता के जो फॉलोअर्स होंगे, शिष्य होंगे, कोई नजदीकी शिष्य होंगे ना, उनके फिर कोई बच्चे होंगे, उनके फॉलो करने वाले होंगे, फिर उनके भी फॉलो करने वाले होंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक दूसरे शिष्यों को फॉलो करते जाते हैं वो ही उनकी डायनेस्टी है। जैसे व्यास गद्दी की डायनेस्टी है, प्रथम व्यास, फिर अगले जन्म में द्वितीय व्यास, जो भी व्यास गद्दी पर बैठा वो व्यास, जैसे सन्यासी होते हैं, लेकिन उनकी डायनेस्टी नहीं चलती है। जो सन्यासी होते हैं वो अपने शिष्य को पराए घर से उठा करके बनाते हैं, उनके अपने बच्चे नहीं होते हैं पैदा किए हुए, इसलिए सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। और जो ब्रह्मा का पार्टधारी है, ब्रह्मा के रूप ने सहनशीलता का विशेष पाठ जिस आत्मा ने बजाया, वो भी अंतिम जन्म में ब्राह्मण। और जिसने सामना करने की शक्ति के रूप में ब्राह्मणी का पाठ बजाया, जगदम्बा सो महाकाली का पाठ बजाया, वो भी ब्राह्मणी के रूप में। जो सामना करने और सहन करने दोनों प्रकार की शक्तियों में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा वैसे भी शक्ति है, वो भी ब्राह्मणी। और जो शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो भी भक्ति मार्ग में यज्ञोपवीत भारी दिखाया जाता है, वो भी ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के पांच मुखों का गायन है और पांचों ही मुख ब्राह्मण है। इसका कारण पूछा गया, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। जो आदि के जन्म में विष्णु होगा वो अंतिम जन्म में भी विष्णु होना चाहिए या नहीं? है आदि सो अंत। और जिस नंबर का विष्णु पाठधारी होगा या जिस नंबर का ब्रह्मा का पाठधारी होगा उसी नंबर का विष्णु पाठधारी होगा। विष्णु का अर्थ ये है नो विष एट ऑल, विषय विकार का जिसमें नाम निशान न रहे वो ही ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो जिसमें पहले जन्म में और लास्ट जन्म में विष है ही नहीं तो ब्राह्मण होगा या कोई दूसरे धर्म का होगा? कौन से धर्म का होगा? ब्राह्मण ही होगा। पहले नंबर का ब्रह्मा, इसका मतलब ये नंबर अरे जो पहले नंबर का ब्रह्मा होगा वो पहले नंबर का विष्णु नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ जी, फर्स्ट क्लास विष्णु होगा। पहले नंबर का ब्रह्मा गीता माता तुम्हारी बुद्धि में इसलिए कि जो छोटा बच्चा होता है वो अम्मा को ही सब कुछ समझता है, वो जानता ही नहीं है कि अम्मा को भी ज्ञान का बीज डालने वाला
जगत पिता कौन है, अम्मा को अम्मा बनाया किसने? अरे जगदम्बा को जगत पिता बनाने वाला होगा कि कोई दूसरा बना देगा? जगत पिता ही बना देगा। मूल बात तो ज्ञान देने की है कि मूल बात सुनने सुनाने की है? ज्ञान देने की मूल बात है। सुनना सुनाना तो 63 जन्म से होता चला आया, इसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। लेकिन बाबा बताया गया कि सबसे पहले गीता माता में प्रवेश। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अम्मा के सबसे पहले बाप, अम्मा बाप। अरे दो के साथ ही साथ सृष्टि होती है, एक के द्वारा सृष्टि नहीं होती है। एक की इच्छा हो और दूसरे की 100% इच्छा न हो तो कभी भी संतान की पैदाइश नहीं होगी। दोनों का बीज साथ ही साथ पड़ना चाहिए, उसे कहते हैं रज और वीर्य। दोनों का मेल साथ साथ होता है, इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा होती है, तब सृष्टि का संचालन या पैदाइश होती है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम सोल शिव ने जगदम्बा के द्वारा सुनाया तो सुनने के साथ साथ प्रजापिता ने समझा नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला सुनने के साथ ही साथ समझ जाए? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जो करके की बातों को उनके सामने रखा, किसके सामने रखा? युवक सामने किसने रखा? जब रखा तो सुनने वाले ने सुना और समझा दोनों बातें की, या सिर्फ समझा या सिर्फ सुना और बाद में समझा? है दादा लेखराज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि दादा लेखराज ओम राधे उनको तो मम्मा बाबा की लिस्ट से ही निकाल दिया। वास्तव में ये मम्मा, ये ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। और उन्होंने जो है सुनाया सेवा ग्राम से, सुनाने के समय अरे जब सुनाया जाए किसी को तो क्या ये संभव नहीं है कि सुनने वाला सुने भी और साथ में समझे भी? ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ तो अभी अभी कहा कि कोई भी सृष्टि प्रक्रिया का काम दो के बगैर नहीं होता, दोनों चाहिए साथ साथ। तो क्या हुआ, अम्मा बाप को सामने नहीं रखेगी तो किसको रखेगी? है अरे कौन मना करता है? यहाँ तो साफ चित्रों में ही दिखाया गया है कि रुद्रमाला के हर मांचे में शिव बाप प्रवेश करता है, तब उसकी यादगार रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं। तो एक मणके की बात नहीं है, लास्ट मणके की बात नहीं है। लास्ट मणका है जगदम्बा और फर्स्ट मणका है जगत पिता। जगत पिता में भी प्रवेश शिव का और लास्ट मणके में भी जगदम्बा में भी शिव का प्रवेश, इसलिए दोनों के चित्रों में खड़ी आंख दिखाई जाती है। महाकाली को भी खड़ी आंख दिखाते हैं शिव नेत्र, और शंकर को भी शिव नेत्र खड़ी आंख दिखाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु में
हाँ ठीक है, ब्राह्मण तो बना पहला, उसका ब्राह्मण बनने का भाग्य है, क्योंकि सुने बगैर ब्राह्मण नहीं बन सकता। थर्ड क्लास भी ब्राह्मण बनेगा तो उसको सुनना जरूरी है, तो जिसने सुना पहले पहले वो पहला ब्राह्मण। और ये भी पक्का है, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण, ये तो बात पक्की है। लेकिन जो पहला ब्राह्मण है वो पहला ब्राह्मण समझता है या नहीं समझता है, उसको तीसरा नेत्र है या नहीं है, पहले है या बाद में है। तो जब पहले नंबर में समझना है तो पहले नंबर में ब्रह्मा सो विष्णु है, और विष्णु के पात्रधारी में चार भुजाएं तो दास दासी के रूप में है चलने वाली, उनको चलाने वाली आत्मा कौन है? तो अव्वल नंबर होगी बुद्धि या भुजाएं अव्वल नंबर होंगी? बुद्धि है अव्वल नंबर। पहला दूसरा ब्रह्मा भी कामयाब तब है जब समझे, अगर समझे नहीं तो होना न होना बराबर। जैसे ब्रह्मा बाबा सुनने में सबसे आगे थे या बाद में थे? अव्वल नंबर में ब्रह्मा बाबा की सोल सुनती थी मुरली, लेकिन समझती थी, अभी भी समझती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल जगदम्बा को चलाती है या नहीं चलाती है? क्यों चलाती है? जब यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा की भी अम्मा वो माता थी, तो वो चलाने वाली क्यों बनी? कौन सा पुरुषार्थ उसका आगे गया? कोई पुरुषार्थ आगे गया होगा या ऐसे ही चलाने वाली बन गई? है कोई पुरुषार्थ आगे गया? क्या गया? जो ब्रह्मा बाबा में सहन शक्ति थी, जिस सहन शक्ति के कारण वो देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य गुण धारण करने वाली अव्वल नंबर की माता बनी, वो अव्वल नंबर का सहनशीलता का गुण जगदम्बा में नहीं था। और हाँ हाँ जी, ऊपर नहीं नीचे। हाँ सती अनुसुईया। हाँ बालक बना दिया। हाँ जी हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं सो बताओ। अरे बोई बोई मुरली चार छह बार चल चुकी है और तुम्हें सुनना ही नहीं है, रोज क्लास ही नहीं करना है, बस बैठ करके पूछना है, पूछ निकाल के चार छह बार उसको क्लियर कर दिया कि जो अनुसुईया है और जो अत्री है वो किसका पार्ट है। अनुसुईया माने जो किसी से असुईया न करे, ईर्ष्या न करे, वो है अनुसुईया। जो पवित्र आत्मा होगी
वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगी, या जो अपवित्र आत्मा होगी वो ईर्ष्या नहीं करेगी। जितना पवित्र होगा वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा। तो सूर्यवंशी आत्माओं में जो सूर्यवंशी अव्वल नंबर का ग्रुप है, उसमें जो पहला पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो भगवान का ही स्वरूप हो गया। वो ऐसा स्वरूप हो गया जो अत्री कहा जाता है। क्या? तीन आत्माओं के बीच में से वो पार्ट नहीं है पार्टधारी, न वो ब्रह्मा है, न वो विष्णु है, न वो शंकर है। इन तीनों से तुरिया पार्टधारी है। अत्री आ माने नहीं, त्री माने तीन में से भी नहीं है। नहीं तो सारी दुनिया तीन हिस्सों में बांटी गई है। झाड़ के चित्र में देख लो, एक दाई ओर के धर्म, एक बाई ओर के धर्म, और एक नीचे से ऊपर तक अपने धर्म के पक्के रहने वाले धर्म। सारी दुनिया को तीन भागों में बांटा गया। उनको भक्ति मार्ग में बोला गया शैव संप्रदाय, फिर वैष्णव संप्रदाय, फिर ब्रह्म समाजी। लेकिन इन तीनों से भी परे पार्ट बजाने वाला वो कौन सी आत्मा है? जो अनसुईया का भी पति है, कौन है? हैं? सुप्रीम सोल शिव। वो सुप्रीम सोल शिव है अत्री। अनुसुईया से भी जाति पवित्र है या कम पवित्र है? जाति पवित्र, इसलिए एवर प्योर पार्टधारी है। एवर प्योर पार्टधारी ही सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो अनुसुईया को भी कंट्रोल करने वाला है, पति है। और जो अनुसुईया है वो सूर्यवंशियों में से होगी, चंद्रवंशियों के ग्रुप से होगी, इस्लाम वंशियों के ग्रुप से होगी, या कोई दूसरे वंश के ग्रुप से होगी? सूर्यवंशी ग्रुप से होगी। सूर्यवंशी ग्रुप में आठ हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं। उन आठ में एक तो हो गया हीरो पार्टधारी, उसको अलग कर दो। जिसे कहते हैं शंकर, उसके बाद अगला कौन हुआ है? वैष्णवी की भी। तीन मूर्तियों में शिव को तो अलग ही कर दो, बाकी ऊंचा कौन? विष्णु। और विष्णु में जो वैष्णवी शक्ति है, जन्म जन्मांतर की एवर प्योर का पार्ट बजाने वाली मनुष्यों के बीच, वो वैष्णवी शक्ति कौन से वंश से आती है? चंद्र वंश से आती है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है या खुद की रोशनी होती है? सूर्य से जब रोशनी लेता है तब उसमें रोशनी आती है। तो इसलिए लक्ष्मी की पार्टधारी आत्मा इतनी पवित्र, इतनी ज्ञानवान नहीं हो सकती जितनी ज्ञानवान रुद्रमाला की दूसरे मणके की आत्मा होती है। कन्याओं माताओं में अव्वल नंबर योगी, जिसका नाम दिया है योगिनी,
शास्त्रों में उसका नाम है काशी। काशी शब्द बनता है काश्य से, काश्य से बनता है कश्यप। काश्य कहते हैं तेज को, ये याद का तेज है काशी नगरी में। उसे याद के तेज के संगठन के बीच में जो शरीर छोड़ते हैं, जीते जी मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हैं? सीधे स्वर्ग में जाते हैं। ऐसा प्रभाव है उस काशी नगरी का। जिस काशी नगरी को सबसे ज्यादा प्यार करते हुए दिखाया गया है शास्त्रों में, कौन प्यार करता है? हैं? हैं? शंकर। शंकर की प्यारी नगरी है काशी नगरी, दिल्ली नहीं। कौन सी नगरी? काशी नगरी। और वो काशी नगरी ऐसी नगरी है कि जब हिरण्याक्ष जैसा असुर सारी पृथ्वीवासी सारे ब्राह्मण परिवार को गड्ढे में गर्त में डुबोने जा रहा था, तो काशी नगरी छिटक के अलग हो गई ऑटोमेटिक। उस पाटधारी को कहा गया है अनसुईया। अनसुईया अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती या और कौन तीसरी? पार्वती। इन तीनों से कोई भी ईर्ष्या नहीं करती है। पार्वती को, सरस्वती को, लक्ष्मी को ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन अनसुईया को ईर्ष्या उनसे नहीं होती है। वो फाउंडेशन नई दुनिया की डालने वाली निमित्त बनती है। परंतु रुद्रमाला का मणका होने के कारण, पुरुष संस्कार स्वभाव होने के कारण वो लक्ष्मी का पद नहीं पा सकती। नारी होते हुए भी चोला कैसा है? है? चोला जो पाटधारी है वो दुर्योधन दुश्वासन ऐसी प्रवृत्ति वाला है। रुद्रमाला के सब मणके क्या है? पुरुष है, भले स्त्री चोला हो। बाबा, जैसे अभी हमें मुरली ने बोला दूसरे धर्म के आत्मा कच्चे होते हैं, हिंदू धर्म के आत्मा यहाँ ऐसे बहुत से ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो आज निश्चय पत्र लिख करके देते हैं कि हमें पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है। कल कह देते हैं कि अरे हम तो भ्रम में आ गए थे, हमने तो ऐसे ही लिख दिया था। कच्चे पड़ जाते हैं, तो यहाँ कच्चे पड़ जाते हैं तो वहां कच्चे पड़ेंगे कि नहीं? शूटिंग हो जाती है। अभी लास्ट पेपर होने वाला है, माया बहुतों को फटका देगी। आठ बादशाहियां स्पष्ट ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई देंगी, आठ संगठन देखने में आवेंगे। उनमें सूर्यवंशी संगठन भी होगा, चंद्रवंशी भी होगा, इस्लाम वंशी ब्राह्मणों का संगठन भी होगा, बौद्धी वंशी संगठन भी होगा, क्रिश्चियन वंशी भी संगठन होगा। सब अलग 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 देखने में आवेंगे। तो बिना कन्वर्ट हुए ऐसा होगा क्या? एक बाप बनावेंगे या अलग अलग बाप बनावेंगे? हैं? अलग अलग नहीं बनावेंगे, आठ ऐसे ही हो जावेंगे।
आठ अलग अलग संगठन ब्राह्मणों की दुनिया में देखने में आवेंगे तो उससे क्या साबित होता है? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा संगठन बहुत छोटा होगा। और धीरज धर्मनिया, हाँ बात तो ब्राह्मण दुनिया में बाप आ गया तो ब्राह्मण दुनिया में इतना दिमाग क्यों होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में बाप आ गया तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है? बीमार क्यों होता है? ओह, क्योंकि बाप ने बताया है पहले ही, बाप ने पहले ही बता दिया शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। बल शरीर कैसा भी लुंजुम पुंजुम हो जाए, क्या शरीर कैसा भी डॉक्टर बताएं इसमें दम नहीं है, क्या ये बहुत कमजोर आप शरीरधारी है, ताकत खत्म हो गई है, पावर नहीं है शरीर में, फिर भी ईश्वरीय सेवा के हिसाब से अगर उस आत्मा को देखा जाए तो बहुत पावरफुल ब्राह्मणों के बीच में दिखाई दे, तो ये बात साबित कही जाएगी ना कि बल शरीर सड़ते जावेंगे लेकिन आत्मा पावरफुल हो जाएगी, ऐसी पावरफुल हो जाएगी कि ईश्वरीय सेवा में सबसे आगे दिखाई दे, नंबर वार होंगे। और ज्यादा दवाइयां खाने के लिए मुरली में मना किया क्या? मना कर दिया है? बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया, दवाइयां ऐसे खाते हैं ब्राह्मण जैसे कि ड्राई फ्रूट खाया जाता है। अरे भले दवाइयां ज्यादा खाते हो लेकिन काम चलता है कि नहीं चलता है? काम चलता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो बेसिक में ब्राह्मण ब्राह्मणियों का देखा जाता है कि जब कहीं सफर करने जाते हैं तो पूरा ट्रंक का ट्रंक भर के दवाइयां साथ में जाती हैं। तो जब बच्चों की इतनी दवाइयां साथ में हो सकती हैं तो जो तुम्हारा बाप आया हुआ है उसके साथ नहीं होनी चाहिए? उसके साथ भी होनी चाहिए। तो ये नहीं कह सकते कि शरीर बीमार है तो ब्राह्मण कैसे हो गया, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है ब्राह्मणत्व का। हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल चाहिए, मन बुद्धि रूपी आत्मा की एकाग्रता चाहिए। अगर एकाग्रता है तो शरीर लुंजुम पुंजुम होते हुए भी आत्मा कोई सेवा नहीं करती है। कौन सेवा करता है? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराता है। हिम्मत है बच्चे, शरीर हिम्मत करता है क्या? शरीर तो पांच तत्वों का जड़ पुतला है, वो थोड़े ही हिम्मत करता है। कौन हिम्मत करता है? आत्मा हिम्मत करती है। पावरफुल आत्मा होगी तो बड़ी हिम्मत का काम करके दिखावेगी, कमजोर आत्मा होगी तो छोटा मोटा काम भी करने में हिचकिचाएगी। तो बीमारी से ब्राह्मणत्व का कोई कनेक्शन नहीं है। और अरे वो माँ के पीछे पड़ गया। हाँ भैया बोलो, रुको लो रुको। हाँ हाँ बोलो। हैं? बड़ी माँ छोटी माँ किसकी और माँ आएगी? अरे बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा तो पुरानी जूती है, क्या
भारत में स्त्री को ज्यूति माना जाता है। मुरली में क्या बोला? भारतवर्ष में स्त्री को ज्यूति माना जाता है। ये ब्रह्मा भी पुरानी ज्यूति है, माने ये ज्यूति भी खलास होने वाली है, फिर नई ज्यूति लेंगे। भारत में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी भी कर लेते हैं। उसका मतलब इशारा दे दिया, कितनी बदली करेंगे? कम से कम चार तो बदली करें। ऐसे ही बनते हैं कि ध्रुवपदी का अर्थ क्या हुआ? ध्रुव माने ध्रुव है, अटल है। पद माने पद, कुर्सी, जिसकी कुर्सी अटल है उसकी कुर्सी को कोई ले नहीं सकता है। मुरली में 20 बार बोला है, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो नैया को लोग हल्की फुल्की नैया समझते हैं, ये पुरुषार्थी जीवन रूपी नैया बड़ी हल्की है। माया का थोड़ा सा झोंका आता है, पीपल के पत्ते की भांति हिलती है। विषय सागर में गोते खाने लग पड़ती है। लोग देखते हैं कि कैसे ये स्थिर रह पाएगी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी जो नैया है उसका नाम दिया है द्रौपदी। कैसी पदी? ध्रुव पद है। चिल्लाने वाले कुछ भी चिल्लाते रहे लेकिन उसका पद ध्रुव है। कहाँ से पैदा होती है? कांपिल्य नगर से पैदा होती है। सारी दुनिया को सुधरने के लिए कंपेल करती है, सुधर जाओ नहीं तो धर्मराज का असली रूप सामने आवेगा। कौन है धर्मराज? ब्रह्मा बाबा, वो तो शरीर छोड़ गए। जगदम्बा, ओम शांति।